मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र के ग्राम पतेरी में आदर्श तालाब अमृत सरोवर पर किया गया वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मड़िहान विधायक व पूर्व राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडली कमांडेंट होमगार्ड विंध्याचल मंडल मिर्जापुर सुधाकराचार्य पांडे व कार्यक्रम संयोजक होमगार्ड कमांडेंट मिर्जापुर बीके सिंह उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सर, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है आपके विभाग के द्वारा, क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का? वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया, कमांडेंट साहब ने अच्छी व्यवस्था की और हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय विधायक जी पधार कर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और इससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ा और हमारा संगठन इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यहाँ गांव की महिलाएं, ग्राम प्रधान जिस तरह से हम लोगों से जुड़ के और शपथ ली कि हम अपने वृक्षों की, अपने पेड़ों की रक्षा अपने बच्चों की तरह करेंगे, उससे यह ज़रूर मैसेज जाएगा कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में हरापन और जलवायु पर्यावरण इत्यादि पर बहुत बेहतर काम होगा। धन्यवाद। सर, आज आपके द्वारा मड़िहान के राजगढ़ क्षेत्र में पर्यावरण के वृक्षारोपण। देखिए सर, प्रथम आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में सेवा सप्ताह हम लोग 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। उस क्रम में जिले के हमारे होमगार्ड विभाग, हमारे जिले के कमांडेंट आदरणीय विनोद जी हैं, यहाँ मंडली कमांडेंट पांडे सुधाकर पांडे जी हैं और सभी ग्राम के सहयोग से आज ग्राम सभा पतेरी में, पतेरी के इस तालाब पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। और वृक्षारोपण मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। गांव वालों को हम लोगों ने जागरूक भी किया है कि हर लोग कम से कम साल में 1-2 वृक्ष जरूर लगाएं। ग्रामवासी थे, यहाँ के सम्मानित प्रधान थे, बहुत से लोग पहुँचे हैं। तो आज सेवा सप्ताह के रूप में वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज इस तालाब पर रखा गया, जिसमें हमारे होमगार्ड विभाग ने कम से कम 200 वृक्ष लगा करके एक ऐतिहासिक काम किया है। अभी पिछली बार तिरंगा यात्रा में होमगार्ड विभाग ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर विभाग काम कर रहा है और आज हम लोग प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में हर लोगों के घर पहुंच करके जागरूक करना, कहीं भी अस्पताल में जैसे हम लोग फल वितरण किए, केवल एक जागरूकता की कड़ी में हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में ही मना रहे हैं। आज वृक्षारोपण वास्तव में होमगार्ड विभाग को मैं बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार होमगार्ड के जवानों ने 200 वृक्ष लगा करके ऐतिहासिक काम किया और इनका 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू इनका कार्यक्रम चलेगा। हर तालाब पर जहां भी जमीन ग्राम सभा की मिलेगी, जहां प्रधान के से मिला अमृत सरोवर पे, तो निश्चित रूप से होमगार्ड विभाग पूरा 2 अक्टूबर तक अपना कार्यक्रम करेगा। हम लोग भी पूरा 2 अक्टूबर तक, अभी हमारा बीच में सदन है, इसलिए हम लोग कल तक अभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के रूप में अभी प्रधानमंत्री के जीवनी पर एक हम लोग प्रदर्शनी का उद्घाटन करने 4 बजे हरौरा नगर पालिका में लगा है। तो कहीं ना कहीं से सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं।